are here to discuss the latest pattern and the changing strategy of history, especially in JS. GIS में अगर आप देखोगे हिस्ट्री का चंक जो है वो 100 to 130 मार्क्स का बनाता है. अब तो इसका हिस्ट्री का जो सब कंपोनेंट है वो भी ऐड हो गया. तो अगर हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री मिलके GIS को 150 मार्क्स का बनाते हैं जो पेपर ए में ए का पार्ट है. तो देट मीन्स हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है आपके GIS का. लेकिन बहुत से बच्चे हिस्ट्री को ऑन फेस वैल्यू बहुत इजी लेते हैं. उन्हें लगता है कि हिस्ट्री जो है वो बहुत इजी है, हम इसे ऐसे टाइप लिख लेंगे, हम इसे कैसे भी करके लिख लेंगे. और 100% बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करते हैं. लेकिन अगर आप अभी जो लेटेस्ट पैटर्न अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे, जैसे कि लास्ट 2-3 ईयर से पेपर आ रहे हैं हिस्ट्री में, स्पेशली केएस में, तो आप देखोगे कि हिस्ट्री जो है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है. अब इसका सिर्फ स्टैटिक पार्ट नहीं आ रहा बल्कि आपको डायनामिक पार्ट पे भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम देखें तो मैं आपको ये इस तरह से समझा सकती हूँ कि अगर हम इसके स्टैटिक पार्ट को देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया है ट्रेस द रीजंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ट्रेस द रीजंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज किया है, ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं करना है, आपको पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिखना है. ठीक है, तो जब ट्रेस द रीजन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा तो आप एज इट इज, मुझे पता है कि आप एक बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के जाते हो, एक आधी कोई बुक्स देखते हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप वही घिसा पिटा आंसर लिख कर आ जाओगे कि रोलार्ट एक्ट की वजह से ऐसा हुआ, वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हुआ. लेकिन आपको इसी स्टैटिक पोर्शन को अपनी तरफ से इनोवेटिव बनाना है. तो मैं यहाँ पे ज्यादातर अपनी क्लास में ये कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस तरह से बताया जाए, आपकी आंसर राइटिंग उस तरह से एनहांस की जाए कि कैसे आप अपने स्टैटिक पार्ट को और भी ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हो. ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुझे एक बताओ कि आप क्या लिखोगे, क्या रीजन थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, कोई भी एक बच्चा बता दे मुझे. वेरी गुड, एट्रोसिटीज थी. ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्टली एट्रोसिटीज लिखोगे या क्या लिखोगे. ठीक है, ये तो लिखना ही आपको, लेकिन आपको कुछ इनोवेटिव बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहला रीजन बताना है, वो बताना है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. ठीक है, आई होप सो कि ये आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताने हैं. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब हो गया कि इस मोमेंट तक आते आते, नॉन कॉपरेशन के मोमेंट तक आते आते 2-3 ऐसी मोमेंट्स हो चुकी थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म और भी ज्यादा जो था वो लोगों में आ गया था. तो उनकी आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका था. इसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हो कि जैसे स्वदेशी मोमेंट के बाद जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको एनल कर दिया गया था 1911 में, दैट इज उस मोमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पे पड़ा था. और उसके बाद होम रूल मोमेंट का आप लिख सकते हो कि होम रूल मोमेंट के बाद में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इमीडिएटली आया था. तो दैट मीन्स इन इसकी वजह से बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कॉमन मॉसिस में, लीडर्स में, नेशनलिस्ट में एज वेल एज ब्रिटिशर्स में आया था. ठीक है, तो ये डिफरेंस सबसे पहले आप बताओगे कि इस तरह के डिफरेंस की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ लोग जो थे वो काफी ज्यादा क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो रहे थे कि ऐसी कोई मास मूवमेंट इंडिया में होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि एट्रोसिटीज, अब एट्रोसिटीज को आप किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे रिसेंटमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज. ठीक है, कैसे, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या ब्रिटिशर्स पॉलिसी. अब रिसेंटमेंट को इसको आप जो है वो जो आपने अलग से इंडिविजुअली लिखना था कि रोलार्ट एक्ट था, खिलाफत मूवमेंट थी, इस सब को आप क्लब करके इसी के अंदर लिख सकते, इसी हेडिंग के अंदर आप इसको इनोवेटिव पार्ट बना के इस तरह की हेडिंग लगा के ये सब लिख सकते हो, जैसे रोलार्ट एक्ट, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट का जो
सप्रेशन हुआ था इसकी वजह से, उसको आप बता सकते हो कि इतनी एट्रोसिटीज उस वेव में हुई थी. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जलियांवाला बाग में से मैसेकियर, ठीक है, ये सब जो है आप इस पोर्शन में इसको डाल सकते हो. उसके बाद और पॉइंट्स आप इसमें ऐड करो ताकि आपका क्वेश्चन और भी ज़्यादा इनोवेटिव बन जाए, ठीक है. इकोनॉमिक डिसलोकेशन, इकोनॉमिक डिसलोकेशन किस फॉर्म में, इसको तो आप बहुत बड़ा बना सकते हो इस क्वेश्चन को. क्या आपको इंडिविजुअली ये लिखना था कि वार टाइमिंग के बाद ये हुआ या हाई प्राइसेस, उन सबको आप इस तरह से हेडिंग बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. इकोनॉमिक डिसलोकेशन किस फॉर्म में, ड्रेन ऑफ वेल्थ की फॉर्म में, हैवी टैक्सेस के फॉर्म में, ठीक है, वॉर टाइम डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पॉइंट जो आपको इसमें ऐड करना ही है, जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा, एक तो आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था और एक था क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ गांधी जी. ठीक है, इसका ये मतलब है कि गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में अपने हीरोइज्म के लिए ऑलरेडी फेमस हो चुके थे. लोग जान चुके थे इस बात को कि गांधी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी मोमेंट के लिए. तो इसीलिए उनकी पर्सनालिटी पे उनको बिलीव करके और जो भी रिजल्ट्स उन्होंने इंडिया में भी दिए थे इन द फॉर्म ऑफ चंपारण एंड अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह के टाइम पे जो भी उन्होंने अचीवमेंट की थी उससे लोग क्या थे, एस्पायर थे. और इस क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी को लोगों ने फॉलो किया और उन्हें ये लगने लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर गांधी जी जैसे एक हीरोइक अटेम्प्ट जो कर चुके, अगर वो इस लीडर, वो ऐसे लीडर इस मूवमेंट को लीड करेंगे तो हमें हिंद स्वराज जो है वो हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन को इनोवेटिव बना सकते हो. अब आ जाते हैं हम इसके डायनामिक पार्ट पे. आप देख रहे हो कि लास्ट टाइम से हिस्ट्री को बहुत डायनामिकली पूछा जा रहा है. स्टैटिक पार्ट तो रहा ही है, इसके साथ में डायनामिक पार्ट भी आ गया. जैसे एक जगह क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्स में आ चुका है कि गांधी जी की जो पॉलिसीज हैं या गांधी जी व्हाट ही थिंक्स अबाउट द रूरल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो रिलेट इट टू द प्रेजेंट सिनेरियो. गांधी जी की जो रूरल डेवलपमेंट को लेके जो उनकी जो सोच थी उसको आप आज के सिनेरियो के साथ कैसे क्लब कर सकते हो या कैसे रिलेट कर सकते हो. ठीक है, जैसे आप में से कोई मुझे बताइए कैसे कर सकते हो आप. हाँ ठीक है, अब डायरेक्टली आप स्वच्छ भारत पे नहीं जा सकते ना. तो रूरल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी ने जो सोचा था सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहते थे ग्रास रूट डेवलपमेंट. ठीक है, तो ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो आज हमारे पास क्या सिनेरियो है ग्रास रूट डेवलपमेंट का, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, इसको आप बता सकते हो कि जो 37 आज की इन प्रेजेंट सिनेरियो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए लाया गया था वो ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए ही है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड गांधी जी क्या कहते थे, सैनिटेशन की बात करते थे. तो सैनिटेशन तो आजकल मोदी जी की अवेयर इतनी अवेयर कर रही है गवर्नमेंट कि सभी को पता है कि सैनिटेशन में हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, वेरी गुड, स्वच्छ भारत अभियान. और स्वच्छ भारत अभियान को आपने सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान नहीं बल्कि रूलर के साथ इसको, इसके स्पेसिफिकली स्वच्छ भारत अभियान के अंदर रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम क्या है उनको आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना. ठीक है, उसके बाद गांधी जी क्या करते थे, स्वदेशी की बात करते थे. स्वदेशी मीन्स कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट. तो कॉटेज इंडस्ट्री के अगर हम देखें तो खादी, और इस टाइम पे जो ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी खुद हैं खादी के. ठीक है, तो दैट मीन्स खादी को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है टुडे, अगर हम आज के रेलिवेंस में देखें तो खादी को किस तरह से, कॉटेज इंडस्ट्रीज को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है वो सब हमें गांधी जी के एस्पेक्ट्स में दिख रहा था और जिसे आज हम कैरी ऑन कर रहे हैं. उसके बाद गांधी जी क्या कहते थे, बैन ऑन लीकर. तो ये आप लोग देख ही चुके हो आजकल, आप एग्जांपल बिहार की देख दे रहे हो कि बिहार में बैन है लीकर. ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे आप कंज्यूम नहीं कर सकते, ये सब चीजें आप इस पे लिख सकते हो. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था बैन ऑन काउ स्लॉटरिंग.
इंडिया में ऐसी है जहां पे काउ स्लॉटरिंग जो है वो बैन है, ठीक है। तो इस तरह से आप गांधी जी की जो सोच थी रूरल डेवलपमेंट को लेके, उसको आप अपने टुडे सिनेरियोज में बहुत से प्रोग्राम्स के थ्रू बता सकते हो। आपके पास एमजी नरेगा है जिसे आप यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। एमजी नरेगा में क्या था कि उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, गांधी जी हमेशा सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, तो रूरल मासेस को सेल्फ रिलायंस आप एमजी नरेगा प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप गांधी जी की जो थिंकिंग थी रूरल डेवलपमेंट को लेके उसको आप बता सकते हो। तो दैट मीन्स ये जो मैंने आपको इसका बताने का जो मेरा एस्पेक्ट था वो यही था कि किस तरह से हिस्ट्री को एक डायनामिक पोर्शन में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो आप तभी कर सकते हो जब आप उस तरह से इनोवेटिव वेज में सोचोगे, ठीक है। हिस्ट्री को हम बुक्स, हाँ स्पेशली बुक्स पे अगर हम फोकस करें तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपकी अप्रोच जो है इसको लेके एनसीईआरटी बेसिक अप्रोच आपको जरूर फॉलो करनी है। आप बेसिक्स, जितनी बेसिक्स बुक्स हैं उससे पहले आप एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की वो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उसके बिना आपका बेस नहीं। कुछ बच्चों को मैंने देखा वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं किस पे, स्पेक्ट्रम पे। तो स्पेक्ट्रम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है, स्पेक्ट्रम आपको कभी बेसिक्स नहीं बताता, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है तो आप वो पढ़िए, और फिर अगर आप स्पेक्ट्रम पे मूव ऑन करना चाहते हो तो आप उस पर भी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इसका ये है कि आपने बोला कौन सी बुक्स, मैं बता चुकी हूँ एनसीईआरटी बेसिक्स बुक्स पढ़िए, उसके अलावा मैं आप बताए मैं बुक लेकर आई हूँ एक शेखर बंदोपाध्याय और बिपिन चंद्रा और रामचंद्र गुहा की बुक्स का आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप मुझे हर रोज क्वेश्चन अपने आंसर्स लिख के लाइए मेरे पास, मैं चेक करूंगी उस पर रिमार्क्स दूंगी ताकि आप इम्प्रूव कर सको, ठीक है। बुक्स जो है वो आपको सिर्फ क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, बस आंसर राइटिंग के लिए आपको मैं हेल्प करूंगी आगे, ठीक है।